नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट लॉ, या इसे ही कहते हैं सोडी खजान लो। तो आज का जो टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट लो या सोडी फजान का नियम। बात करें हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसका जो हिंदी में है वो है रेडियो सक्रिय तो विस्थापन नियम या सोडी फजान नियम। तो ये हमारा टॉपिक है, ये क्लास जो हमारे 12th है उसमें भी आता। और बात करें हम जैसे BSc और वही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो उनमें भी इससे जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इस क्या है कि इस नियम के बारे में जानते हैं। तो जो ये नियम है वो सोडी फजान द्वारा दिया गया, इसलिए उसके नाम पर रिस्पेक्ट देने के लिए भी उसको सोडी फजान का नियम हम कहते हैं। तो देखिए ये नियम हमें बताता क्या है, तो ये नियम हमें ये बताता है कि मान लीजिए कोई हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल और या यदि कोई गामा पार्टिकल है वो डिके कर रहा है, तो उसके बाद जो हमारा जो नया न्यूक्लियस प्राप्त होगा वो किस तरह का होगा, ये नियम इसके बारे में हमें जानकारी देता है। आप जानते हैं जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होते हैं उनमें वो किसी पार्टिकल जैसे अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल या गामा पार्टिकल, इनको इनका डीके करके वो एक स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास, हम बात करते हैं पहले अल्फा से। मान लीजिए हमारे पास कोई न्यूक्लियस है और जो हमारा नाभिक का प्रतीक न्यूक्लियस का जो सिंबल होता है, आपने पढ़ा होगा कि नाभिक का प्रतीक, एक नाभिक को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए जो नाभिक का रिप्रेजेंट है वो कुछ इस तरह का होता है, ZXA। यहाँ पर X है कौन सा एलिमेंट या तत्व है, Z उस तत्व का परमाणु क्रमांक, कि पीरियोडिक टेबल में वो तत्व कहाँ पर आ रहा है, परमाणु क्रमांक, और A है यहाँ पर द्रव्यमान संख्या, की उस जो हमारा एलिमेंट है उसका मास नंबर कितना है, द्रव्यमान संख्या। इस तरह से हम एक न्यूक्लियस है तत्व है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए हमारा यदि मान लीजिए कोई एलिमेंट है उससे अल्फा पार्टिकल डीके कर रहा है, देखिए क्या होगा, ये कोई हमारे पास एक नाभिक है उससे अल्फा पार्टिकल डीके हो रहा है, तो जो हमारा अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का नाभिक, तो हीलियम होता है 2HC4। तो अल्फा पार्टिकल जब नाभिक है उससे डीके करेगा, तो एक तो होगा हीलियम का जो नाभिक है वो प्राप्त होगा, तो यहाँ पर होगा 2HC4, क्योंकि यह जो नाभिक है वो हीलियम का जो अल्फा पार्टिकल उसको रेडिएट कर रहा है। और उसके बाद देखिए जो हमारा जो हमें प्राप्त होगा नाभिक, उसकी जो परमाणु क्रमांक है उसमें तो 2 की कमी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 बड़ा है, तो जो हमारी इन दोनों को बैलेंस करना है, तो यहाँ पर 2 की यदि
बढ़ोतरी हुई है, तो इसमें से दो कम करना होगी ताकि इधर भी चुनाव बिगड़ वो सही हो और इधर कोई नया पेरेंट्स ना बिक निकला। और यहाँ पर जो ये है मास नंबर है वो यहाँ पर चार बड़ा है, तो इस दर जो मास नंबर है चार वाले उसमें से चार की कमी हो जाएगी। तो ये होगा हमारा, ये मान लीजिए किसी कोई नाभिक है उससे अल्फा पार्टिकल उत्सर्जित हो रहा है, तो जो हमारा पुत्री नाभिक होगा उसकी जो परमाणु क्रमांक है मूल नाभिक, ये हमारा मूल नाभिक है और ये हमारा पुत्री नाभिक है। आप देखिए ये है मूल नाभिक और ये है पुत्री नाभिक, पेरेंट्स न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई। तो जो हमारा डॉटर न्यूक्लियाई होगा उसकी जो परमाणु क्रमांक होगा उसमें दो की कमी होगी और जो द्रव्यमान संख्या उसमें चार की कमी होगी। अब देखिए यदि कोई नाभिक है उससे बीटा पॉजिटिव या बीटा नेगेटिव पार्टिकल डिके कर रहा है, तो मान लीजिए सेकंड टाइप देखिए बीटा पॉजिटिव से हो रहा है। अब देखिए बीटा पॉजिटिव क्या होगा, ये हमारे पास कोई न्यूक्लियस है इससे बीटा पॉजिटिव पार्टिकल है वो डिके कर रहा है, तो जो हमारी डॉटर न्यूक्लियस होगी उसकी जो परमाणु क्रमांक है उसमें तो एक की कमी हो जाएगी और जो उसका मास नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और उसके साथ हमें एक इलेक्ट्रॉन ये बीटा पार्टिकल मिलेगा, ये है हमारा मूल नाभिक या पेरेंट नाभिक, ये हमारा है पुत्री नाभिक डॉटर न्यूक्लियस। तो जो हमारा डॉटर न्यूक्लियस होगा उसकी जो परमाणु क्रमांक है उसमें तो एक की कमी हो जाएगी और जो हमारा मास नंबर है उस में कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये तब है जब किसी न्यूक्लियस से बीटा पॉजिटिव पार्टिकल डिके कर रहा है। अब यदि बात करें बीटा नेगेटिव की, तो देखिए बीटा नेगेटिव अब बीटा नेगेटिव मान लीजिए, देखिए अब यदि आप थ्योरी लिखना चाहिए अल्फा बीटा पॉजिटिव पार्टिकल के, तो बीटा पॉजिटिव कण उत्सर्जन से प्राप्त जो हमारा है डॉटर न्यूक्लियस होगा उसका जो परमाणु क्रमांक है वो जो उसका पेरेंट नाभिक है उससे एक कम होगा और जो हमारा डॉटर न्यूक्लियस है वो आवर्त जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें एक वर्ग पीछे विस्थापित है। जैसे कैसे विस्थापित हुआ, देखिए ये हमारा कोई पेरेंट न्यूक्लियस था इससे बीटा पॉजिटिव पार्टिकल इमिट हुआ, तो देखिए जो हमारा परमाणु क्रमांक है उसमें एक की कमी हुई, मतलब ये जो हमारा डॉटर न्यूक्लियस होगा उसकी परमाणु क्रमांक में एक की कमी तथा उसकी जो मास नंबर है वो चेंज नहीं हुआ, उसके साथ हमें बीटा पार्टिकल ये बीटा पॉजिटिव पार्टिकल मिल गया। ये हमारे पीरियोडिक टेबल में जहाँ डॉटर न्यूक्लियस था नहीं जो पेरेंट न्यूक्लियस था उस और जो हमारा डॉटर न्यूक्लियस होगा वो उस पीरियोडिक टेबल में अपने पेरेंट न्यूक्लियस से एक स्थान पीछे खिसक जाएगा, ये हमारा है बीटा पार्टिकल पॉजिटिव के लिए। अब बात करें बीटा नेगेटिव के लिए, बीटा नेगेटिव में क्या होगा, देखिए बीटा नेगेटिव है कि ये हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, ये मूल नाभिक या पेरेंट न्यूक्लियस मूल नाभिक, इससे बीटा नेगेटिव पार्टिकल है उसका डिके हुआ है। तो आगे देखिए क्या होगा, जो हमारा डॉटर न्यूक्लियस होगा उसकी जो परमाणु क्रमांक है उसमें एक की बढ़ोतरी हो जाएगी और जो उसका मास नंबर है वो अनचेंज होगा और उसके साथ हमें मिलेगा बीटा नेगेटिव पार्टिकल, ये बीटा नेगेटिव पार्टिकल का डिके हो गया।
देखिए पुत्री नाभिक था उसका जो परमाणु क्रमांक है वो जो प्रिडिक्टेबल है उसमें एक स्थान आगे खिसक जाएगा, और जो उसकी मास नंबर है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो डॉटर न्यूक्लियाई और जो पेरेंट न्यूक्लियाई उनका जो मास नंबर है वो तो सेम है, लेकिन जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसकी जो परमाणु क्रमांक में स्थान जो प्रिडिक्टेबल है उसमें जो स्थान है वो अपने पेरेंट्स नाभिक है उससे एक स्थान ज़्यादा होगा। अब देखिए किसी यदि कोई हमारे पास न्यूक्लियस है और उसमें से गामा पार्टी लिमिट हो रहा है गामा, तो देखिए ये हमारा पेरेंट न्यूक्लियस, उसके बाद इससे कोई गामा पार्टिकल उत्सर्जित हो, तो जो हमारा गामा पार्टिकल होगा उसमें यदि गामा पार्टिकल जब इमिट होगा या डिके होगा तो जो हमारा मास नंबर है और जो परमाणु क्रमांक है उन दोनों में कोई इफेक्ट नहीं होगा। और एक यहाँ पर हमें गामा पार्टिकल मिल जाएगा, तो ये है गामा पार्टिकल। तो गामा पार्टिकल उत्सर्जन से प्राप्त पुत्री नाभिक का परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। अब देखिए यहाँ पर जो जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियस था उसका परमाणु क्रमांक और डॉटर न्यूक्लियस उसका दोनों को परमाणु क्रमांक सेम, उसी तरह जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है उसकी मास नंबर और जो हमारा डॉटर न्यूक्लियस है उसका मास नंबर दोनों का सेम है। तो ये है हमारा रेडियो एक्टिवता, जो हमारा रेडियो सक्रियता है उस विस्थापन नियम और सोडी फजान नियम। तो ये है आप ब्रीफ में देखिए क्या है। मान लीजिए कंपेयर करते हुए चलेंगे हम, यहाँ पर है अल्फा कण बीटा गामा वाले, तो क्या गामा में तो गामा रे कुछ नहीं होगा उसमें, तो जो डॉटर न्यूक्लियस और पेरेंट न्यूक्लियस उसकी जो मास नंबर और जो परमाणु क्रमांक है वो दोनों सेम होंगे। तो बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव की बात कर लेते हैं, पहले बीटा पॉजिटिव की बात में बीटा नेगेटिव, तो ये हमारा कोई आपको दिख तो रहा है क्या सब? तो देखिए कंपेयर करते हुए चलेंगे, ये हमारा अल्फा पार्टिकल, ये हमारे पास कोई पेरेंट न्यूक्लियस है, इससे यदि अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन होगा तो अल्फा पार्टिकल एक है हीलियम नाभिक, तो हीलियम नाभिक मीन्स 2H4। और उसके साथ आप देखिए यहाँ पर जो पुत्री या डॉटर न्यूक्लियस प्राप्त होगा उसकी जो परमाणु क्रमांक है उसमें तो 2 की कमी हो जाएगी, तो प्लस जेड माइनस 2 यहाँ पर कोई जो हमें पुत्री नाभिक मिलेगा वो, और जो उसकी मास नंबर है उसमें 4, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 की कमी A-4। ये हमारा जब अल्फा जो अल्फा पार्टिकल है वो इमिट हो रहा है, तो इसका जो रिजल्ट है वो आप ऐसे लिख सकते हैं कि पुत्री नाभिक डॉटर न्यूक्लियस, पुत्री नाभिक जो आवर्त सारणी है प्रिडिक्टेबल आवर्त सारणी में 2 वर्ग या स्थान पीछे खिसक जाता है, 2 वर्ग पीछे विस्थापित हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जेड माइनस 2, तो जो डॉटर न्यूक्लियस होगा वो जो प्रिडिक्टेबल है उसमें 2 स्थान पीछे खिसक जाएगा। अब बात करते हैं हम बीटा पॉजिटिव पार्टिकल की, तो ये हमारा कोई न्यूक्लियस है पेरेंट न्यूक्लियस और उससे बीटा पॉजिटिव पार्टिकल है वो इमिट हो रहा है डीके हो रहा है, तो जो हमारा ये है बीटा पॉजिटिव 1 बीटा पॉजिटिव पार्टिकल, तो जो हमारा डॉटर न्यूक्लियस होगा उसकी मास नंबर यहाँ पर 1 ज़्यादा, आप ऐसे याद रख सकते हैं यहाँ पर 1 बड़ा है तो यहाँ से 1 कम कर दीजिए, यहाँ पर 0 है कुछ नहीं चेंज हुआ, तो जो हमारा
पेरेंट डॉटर निकले होगा उसकी मास नंबर नो अफेक्टेड। तो अब देखिए इसके लिए क्या होगा, पुत्री नाभिक, यह पुत्री नाभिक हमारा, पुत्री नाभिक आवर्त जो हमारे प्रिडिक्टेबल है, आवर्त सारणी में एक वर्ग पीछे विस्थापित हो जाता है। अब देखिए अब बात करते हैं बीटा नेगेटिव की। तो बीटा नेगेटिव पार्टिकल मीन्स माइनस ई, ये बीटा नेगेटिव और ये है बीटा पॉजिटिव पार्टिकल। तो बीटा नेगेटिव पार्टिकल के लिए ये हमारे पास कोई पेरेंट न्यूक्लियस है, उससे बीटा नेगेटिव पार्टिकल है वो रेडिएट हो रहा है, इमिट हो रहा है। तो जो हमारा बीटा नेगेटिव मीन्स माइनस वन माइनस ई जीरो। अब देखिए यहाँ पर एक की कमी हुई है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो इस एक को बढ़ाना है, और जो हमारा मास नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो जो हमारा पेरेंट जो डॉटर न्यूक्लिय होगा, पेरेंट न्यूक्लिय के जेड में, तो जेड यहाँ से एक कम हुआ तो आप इसको एक बढ़ा दीजिए, और जो हमें डॉटर न्यूक्लिय मिला वो और उसका मास नंबर नो चेंज। तो अब इसके लिए क्या होगा, जो हमारा पुत्री नाभिक होगा, पुत्री नाभिक आवर्त जो प्रिडिक्टेबल है उसमें एक स्थान आगे खिसक जाएगा, ये है सोडी फजान का नियम। तो ये था वीडियो सोडी फजान का नियम या रेडियो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है। ये क्लास ट्वेल्थ के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप देख सकते हैं इसको। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और बताना कि वीडियो में कुछ कमी है तो हम इसको इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।